हाँ जी गुरु प्यारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। एक तो पहला दस्यो कि आवाज ठीक आती है तुहानू, कोई आवाज प्रॉब्लम तो नहीं? आवाज जिहड़ी आ उह ठीक है जी। ते दूसरा वा एक मिनट जी, बस मैं वाली सैटिंग कर रहा। हाँ जी ठीक है जी, चढ़ती कला। बेनती ये करनी है जी भी तुम सारे ने देख ही लिया होना वा भी एक जी वीडियो वो वायरल हो रही है, गुरदास मान जिहड़ा कि नकोदर वाले डेरे जिहड़ा हैगा वो की उहदा नाम आ कोई लाडी शाह उहदा चेला बनिया होया वा। बड़े चिर तो आपां जाणदे आ भी उत्थे उह जांदा सीगा ते उह उत्थे नचण नचण लग गया, वह पैसे पूरे ज्यादा सुटन लग गया ते पैसे दे लालच नूं उत्थे उहदा चेला बन गया। सो बेनती आ हुण करन वाली गल इह आ भी जिहड़ा आपां काम करना असल दे विच, पहलां तां मैं इह बेनती करदा भी सिर्फ फेसबुक दे उत्ते पोस्टां पा के गल नहीं बननी, इह मैं तुहानू क्लीयर करां। फेसबुक ते पोस्टां पा के गल नहीं है बननी, पहलां तां तुहानू इह करना पैणा भी आपो अपना फर्ज समझीए। असीं देखो ये ना कहया करिए भी ये अकाली का काम आ जी, या किसी जथेबंदी का काम आ जी, या फलाने का काम आ, ढींगरी का काम आ, ये काम फर्ज सारे का बनता क्योंकि गुरु साडा सारे का। तो जो कोई साड़ी दाड़ी में हाथ पाँगा ना फिर असं चुप जब चुप ना बैठे करिए, साढ़े चे घाट आ भी आप ना वेखन लग जाने कि फलाना करेगा है ना, वह करे तो जिम्मेवारी है नहीं, हर एक सिख की जिम्मेवारी है। हूँ आप कल जी कॉल दिती है वो हम अपना सारे का ही फर्ज बनता भी आप उत्थे पहुंचीए, जिहड़े भी आ सकते हैं जिथों भी आना सी। ये तो आपां इह तां है नहीं कि दूरों कोई नहीं आ सकता, सारे कोल साधन बख्शे ने महाराज ने, तो आपो अपने साधना दे आपां सारे उत्थे जिहड़े पहुंचीए। पहली गल हुण आपां गल करिए इस बंदे दी भी इहने जिहड़ी तुलना कीती आ गुरु अमरदास जी महाराज जी दे नाल एक उस बंदे दी, जिस बंदे दा जीवन एडा ज़्यादा माड़ा, इन्ना ज़्यादा माड़ा जीवन आ भी जिहड़ा एक नशे करता सी, सुलफे पींदा सीगा, तंबाकू खांदा सीगा, उहनू इहने कहा कि अंश वंश जिहड़ी आ उह गुरु अमरदास जी दी अंश आ। अंश कहण अंश तो भाव तक रही हो गया ना, जो आप कहने भी ये फलाने बंदे का अंश आ, अंश तो भाव की होंदा भी ये उहदा खून आ, ये उहदा वारस आ। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਧਿਆਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਓ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੂਹ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਤੁਲਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਚੱਲ।
जे तू ये भी कह देना भी जो नकोदर वाला लाडी तेरा वह लाडी शाह जी तू कहना भी ओ गुरु पातशाह जी का गुरु नानक पातशाह का बच्चा वा ज पोते जहाँ का जिस तरह आप कह दें कि सिख सारे महाराज के बच्चे ने यह भी नहीं कह सकता तू क्योंकि वह ये लायक भी नहीं है ये लायक भी नहीं है वो यार समझ नहीं आती तू की हो गया तेरे लोगों को दिमाग में तेनू इन्नी इज्जत दी महाराज ने इन्ना सत्कार से तेरा तू है ना चलो वो प्रोफेशन के गुरमत के नहीं तेरे उस प्रोफेशन के लोग तेन बाबा कहते कि कुछ बाबा गुरदास मान कि कुछ करते तेरा तू अपनी बेइज्जती करवाई जान बुझ के पहला तू पंजाबी भाषा के मसले से बोलिया पहला तो साढ़े को तेरिया उत्थों दिया डेरे दिया बड़िया क्लिपा आई जिस गुरबाणी दिया पवित्र पंक्तियां तू लिखिया हुई उसने छेड़ी दिया फोटो थले युद्ध कौन है तू तुहानू लोगों इज्जत नहीं भजदी गल होर कोई नहीं सो इस करके हुण तुहाडी बेइज्जती भी करांगे ठोक के जे तुहानू इज्जत दित्ती सी ना लोगों ने उही लोग तुहाडे सिर चुटियां मारनगे क्योंकि गुरु गुरु साहब के सत्कार के उत्ते मैनू नहीं लगता भी कोई सिख समझौता करेगा तो जिहड़ा समझौता करेगा जिहड़ा जमीर मार के चुप करके बैठा रहेगा फिर वो बैठा रहे हुण वेखणा तो यही है ना कल उत्थे किन्ने इकट्ठे हुंदे आ असी तो जावांगे अपना फर्ज समझ सारी भावें दस जाइए भावें पंज जाइए जिन्नी असी जा सकते असी जावांगे पर देखना भी उत्थे किन्ने आउणे आ असी जिहड़े लोग इहनूं सुणदे सी गाड़ी बहि के मैं तां उहनां ते वी लाण छड्डदा लाण तां यार तुहाडे ते ओह इक बंदा जिहड़ा ओह इक बंदे दी तुलना नशेड़ी बंदे दी तुलना गुरु साहिब नाल करी जांदा गुरु अमरदास पातशाह दा जीवन पता तैनूं गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन पढ़िया कदी किन्ना उच्चा ते सुचा जीवन सी गुरु पातशाह जी का ते तू चुके तुलना करती एक नशेड़ी दे नाल तू मनदा उहनूं लाडी शाह नूं मन्नी जा यार सानू भी लगे सानू की परवाह इत्थे किन्ने तुरे फिरदे आ डेरे हरादा स्वामी नरकधारीए चौथे पंजवें चौथे किन्ने तुरे फिरदे आ कोई परवाह नहीं क्योंकि जिहड़ा पंथ आ ना जिहड़ा गुरु ग्रंथ गुरु पंथ आ ना ये इसे तरह कायम रहना ये निशान इदा ही झूलते रहने ने इतने मसंद भी बड़े आए इतने अबदाली वर्गे भी आए औरंगजेब वर्गे आए कोई फर्क नहीं पैना पंथ को ये निशान इदा ही झूलते रहने ने ताडे लोगों के नाल जे चंद लोग उठ के किसी डेरे को समर्पित हो जाएंगे तो पंथ को कोई खतरा पंथ को कोई खतरा नहीं इतने तो जिन्ना चिर एक सिर भी जिंदा रहेगा ना तां ही पंथ दी चढ़दी कला रहनी है सो मेरी बेनती है भी जिहड़े लोग इहनूं सुणदे ने ना पहला तो वह फैसला करन ठीक है तुम उन्होंने मनते हो उन्होंने पूजते हो पूजी जाओ यार सानू कोई मैटर नहीं इस गलों के नाल पर तुहानू ये किसी ने भी जिहड़ा वा वह हक नहीं दिता कि तुम उठ के ते साडे गुरु साहिबान जो कि सारिया के सांझे ने गुरु साहब क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह सबे सारे जगत का गुरु वा तो तुम लोग उठते हो उठ के तो कहीं कोई उठ के नशेड़ी नाल तुलना कर दिंदा कोई फड़ता गुरबाणी दी पवित्र पंक्तियां अपने लुचे सारा दे वास्ते करन लग पैंदा जुतियां दी घाट आ तुहानूं लोकां नूं होर गल कोई नहीं ते साडे च वी घाट इह आ वी असीं लोक सुणी अणसुणी कर दिंदे आ साडे च वी वड्डी वड्डी घाट आ वी असीं सुणी अणसुणी करी जांदे आ असीं लैट गो करी जांदे आ इह साडी सहनशीलता ला लो जां सानूं इह समझ लो वी हुण साडा किते ना किते असीं लोक किन्ने कमजोर हो गए आ इह वी सच आ किते ना किते पर एक चीज क्लीयर कर दी है अज तो बाद असी अपने वालों तो यह गल का दावा करते हैं किसी वालों तो नहीं कर सकते भी जिन्हें असी सेवादार है नौजवान जिन्हें साडा सेवा करते हैं जिथे जो तो सानू गुरदास मान टकरूगा डट के विरोध करा जो साढ़े को चार जुतियां भी मारिया गई तो जरूर मारा सानू कोई डर नहीं साढ़े परचे हो जाए सानू जेल सुटिया जाए सानू कोई परवाह नहीं पर बिल्कुल जिथे तक साढ़े को गुरु साहब सेवा लैणगे असी यदा विरोध करा डट के डट के विरोध करांगे दा पूरे पंजाब दे विच इहदा विरोध होगा इस तों बाद जिथे भी आ सकता होगा उत्थे आवे गंद पाया तुसीं लोकां ने तुहानूं शर्म ही नहीं हैगी तुहानूं जे इस पंजाबी दा खाता दिता तू सारी उम्र खाता जे इस जिन्हां गुरु साहिबानां दा नां लै के तू गाया अज तू उन्हां दे उत्ते कटाश कर रहा उन्हां ते किंतू कर रहा लाणता तेरी सोच दे उत्ते दसम पातशाह दा गाणा बोलिया सी तैनूं याद है ना सरबंस तालियां वे ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ
लाड़ तो उन्होंने लोगों के सब से वीडी जे थोड़े सामने बैठे थे तो जुत्ती नहीं लाई उन्होंने तेरे सच मारने वास्ते। बंदे दे पुत बनो जिहड़ा कंजरखाना करते हो करी जाओ, सानू कोई परवाह नहीं। कभी कोई सियासी नेता उठता उठ के कुरबाणी की पंक्ति की वरतों कर लैंदा अपने लोगों के वास्ते, कोई उठता कि कोई मंत्री उठता लैक्चर देता उ गुरु साहबान की वरतों कर लैंदा वा, कोई गुरबाणी दंक्तियां की वरतों कर लैंदा। कमजोरिया तो साडिया ने कि असी भेडा बली बैठे हाँ, जे असी डांग चक ली फिर ढड्डियां लगे पिटन बह जाते जी, कौली अगर डांगा चक्की फिरते ने जी, ये कट्ठे हो गए लोगों को कुटन लग जाते हैं, हार पाया करिए गलों के हूँ करदासमान वास्ते सुन का तगमा बना लीए, एक मैडल तैयार कर दिए करदासमान वास्ते भी लै भी करदासमान तू बड़ा सोहना किया साढ़े गुरु साहबान की जी सी निरादर किया, एक नेकी नशेड़ी की नाल तुलना करती लै हम तेन सुन का मैडल पा दिए है ना, ये कर लें। लाण तो यार ताकि सोच के उत्ते जिन्हें जोगे हैं खलोते तो है ना, बोलते तो है गूंगे तो नहीं हो गए, जिन्हें कि जोगे असं करता रहे हैं ना, ताड़े लोगों वागू थोड़ी क्यों मूँह घूंगड़िया पा के बैठे हैं। साढ़े को मान लो इन समर्था नहीं कि असं किसी को गोली मार दी है, मान लो साढ़े समर्था नहीं है ना, असं इन्ने जोगे नहीं, पर इन्ने जोगे तो है भी असं आवाज चकीए कि साढ़े इन्ने ही मर गए, असं सियासी पार्टियां के पिछे ने बड़े झंडे चुकी फिर रहे असं लोग इतने होने किसी मंत्री संतरी ने आना होे लोग चुके जुत्ती भी पाते भज जाते हैं तो पैर थले हाथ रखते हो हूँ ते गुरु की अगला छड़िया वा फट के तो निरादर करी जाता, हूँ क्यों नहीं बोलता कोई मंत्री, हूँ क्यों नहीं बोलता कोई पंजाबी का रखे, हूँ क्यों नहीं बोलता पंजाब का रखे कोई आ समाज सेवी कितने गए हम सारे साढ़े जायदाद समाज सेवी, ये दिखता नहीं इन्हों आ दिखता नहीं हरप्रीत सिंह ज्ञानी हरप्रीत सिंह कॉल करते जायदाद साहब एसजीपीसी दिखता नहीं क्यों छोके परचा करवाता रात इन्होंने तो 24 घंटे होगी वीडियो वायरल जो मुँह वेखी गए मैं 12 घंटे नहीं बोलिया 24 घंटे बाद मैं वीडियो पाउन लगा भी वेखते हैं की बोलते हैं साढ़े आगू किसी की जबान नहीं मूँह चो निकलती कहे आगू बने फिरते हैं फिर तुम छड़ दो कुर्सियां कभी होर मौका दो शायद कोई जागती भीर वाला बह के गल कर लग पे इन्ने ज्यादा किरतकन हो गया ना असं लोग मैं कहना मैं सोचता भी उन्होंने लोगों का कसूर नहीं है मैं तो यह गल सोचता भी वह कसूर नहीं है क्योंकि उन्होंने तो क्लीयर हो गया भी वह किरत घर ने उन्होंने क्लीयर हो गया भी ये लोग किरत घर ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी छड़ के उन्होंने नशेड़ियों गुरु धारण कर लिया क्लीयर हो गया उन्होंने जेडे मान लो हूँ गुरु ग्रंथ साहब को छड़ के डेरिया मानते हैं है ना जो कोई नरकधारी मानता कोई सरसिया क्लीयर हो गया ना भी उन्होंने उन्होंने प्यो बना लिया पर असी कितने खड़े यार असी कितने खड़े हाँ जे असी घटो घट इन्ना ही नहीं कर सकते असी आवाज ही नहीं चक सकते एक होका ही नहीं दे सकते फिर कहदिया असी भाई गल्लां करदे आ बड़ियां बड़ियां कहदिया फड़का साडियां स्टेजां दे उत्ते हुण कईआं ने कहना भी फिर की होगा जी गुरदास मान ने कहता जी है ना माफी मांग लूगा जी कोलों माफी मंगो सॉरी फील कर लूगा कल मुक्की फिर तो जिहड़े अंग पाड़ पर सड़कां ते खिलारी जांदे ने उत्थे माफीनामे लिख के रखो बस दई जाइए फिर उन्हां नूं ਮਿੰਦਰ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ जिस गुरु की मर्यादा नूं मन्ना बंद करता जिस गुरु ने तुम यह कहता भी अमृत का बाटा ही नहीं तैयार किया तेरे चेले ने कहता ना भेड़ ने तेरी रिकॉर्डिंग पई है मेरे को मैं पाई नहीं रिकॉर्डिंग अजे तक किसी करके मैं देखना चाहता सी तुसीं बोलदे की हो आ सोच है थोड़ी सो मेरी बेनती है कल नूं नकोदर थाने इकट्ठे हो रहा हूँ देखना यह भी आ साडियां जमीनां किन्नियां क जागदियां ये भी वेखना भी उस इलाके असं किन्ने ज्यादा है क्योंकि साडा तो पहली गल तो यह फर्ज बनता सभी उत्थे हुण तक नकोदर थाने के मूहरे सिंह इकट्ठे हुए होंगे लोकल जो उत्थे उस जिथे वो डेरा बनाया हुआ उन्हें उत्थे खड़े होंगे पर चलो रहो विचार जिदा गुरु साहब का हुक्म आ कल 12 बजे नकोदर थाने पहुँचना इस नशेड़ी जवाब देने वास्ते इतने कानूनी कार्रवाई वास्ते ये साडा पहला प्रोसैस आ
क्योंकि सानू कल कोई प्रशासन ना कहे भी तुम सा आए नहीं तुम चार्ज ही नहीं की असं करा असं पहला फर्ज पूरा करा अपना सहज अवस्था वाला और उस तो बाद जेकर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता सानू इहदा डेरा खलो उत्थे खलो के विरोध करना पाया डेरे ते गाड़ी बहना पाया असं बवांगे तो जेकर सानू इहनू डांग भी फेरनी पई साडे को गुरु साहब सेवा लैण तो असं इहनू डांग भी फेरांगे तां विरोध डट के करांगे पूरे पंजाब भर दे विच दा विरोध करांगे ते बाहरले मुल्कां वाले वीरां नूं बेनती आ जिथे जांदे ने शो लगदे ने इहनां दे इहनू वरण ना दिओ जे गुरु दे सिख जे दसम पाशाह दे जे पुत जे तो जे नचार जे इहनां वर्गे नचार बन गए जे तो फिर भाई इहनां नूं सिर ते चुक्की फिरो फिर पाओ सरोपे इहनां दे सिरां विच गलां दे विच ते इहनां नूं कहो वी शाबाश पुत लगे रहो करो नरादर दूजा रज के साढ़े को यार हों भाई जिन्हें के योगे हाँ मैं बार बार ये गल करता हूं असं जिन्हें के योगे हाँ ये जेडे नाल नौजवान तुरे फिरते हैं घटिया वाले ये तरखात नहीं लगे मेरे नाल ये किरत करते हैं किरती ने तेरे को वेलर नहीं है मखमल के गद्दियां ते नहीं सौंदे ये कारोबार नहीं है इन्होंने कोल कोई दिहाड़ी करते हैं दिहाड़ी जी दिहाड़ी करते हैं उस ना अपना गुजारा करते हैं तो भी तुरते हैं क्योंकि जमीर जागती है इन्हों तेरे मूह मखमल के गद्दियां दे संगत के पैसे ने ऐश नहीं करते तेरू तो जवाब देने पुत बाद चे तेरे से बाद चुने पे लो जीए सो मेरी बेनती है संगत को भी इन लोगों का विरोध करिए जिहड़ा भी बंदा जिहड़ा भी मनुख गुरमत के उल्ट गुरु के विरुद्ध साडे सिधांतां साडी मर्यादा के उल्ट बोलता जिन्हें जोगे होंगे हो बोलिया करो इतने सहान नहीं है किसी के सिर के उत्ते भी कोई जथेबंदी कोई आगू बोले आके जां अकाली बोले आके जां कोई फलाना बोले आके क्यों ताडा प्यो नहीं सो असी अपने वालों तो यह गल थोनू ठोक के कहने संगत को बेनती करते हैं जिथे तक साडे को हो असी इस नशीले का डट के विरोध करांगे पहला जिहड़ी गल सुन के प्रशासन कोल जावांगे बेनती करांगे प्रशासन नूं क्योंकि जिहड़ा प्रोसैस आ उह फॉलो करांगे कल नूं सानूं कोई इह ना कहे प्रशासन ने सानूं इह कहे मैं जे पोस्ट पाई सी अद्धे घंटे बाद मैनूं सिटी दा फोन भी आ गया उत्थों जे उहनां दा मतलब प्रशासन नूं पता लग गया ना सो चाहीदा तां इह आ कि सानूं उत्थे जाण तों पहलां उत्थे परचा आया होवे चाहीदा तां इह आ प्रशासन नूं क्योंकि जे किते अजिही कोई गल साडे वर्गे ने कीती हुंदी ते तीन तीन जिलिआं दी पुलिस मेरे घर बैठी सी आ के तीन जिले की पुलिस मेरे घर रात बैठी थी ते आके मेरे घर के मेरे परिवार को डरा डराते थे टेबलों के पिस्तौल रख रख के मेरी मां डराते थे जे कि साडे मूँह चो गल निकल जे तो असी दोषी फड़ के साडे वास्ते जेलां साडे वास्ते परचे बिना कोई तजवीज़ किए बिना कोई इनकुआरी की हो जाते हैं तो जो कोई अजिहा विरोधी उठ के कोई गल करता वा कोई साढ़े गुरु के हाथ गुरु हाथ पाँगा कोई साढ़े मर्यादा के उल्ट बोलता उदो जांचा करा जी पहला जांच करा जी क्यों इन्हों बारी इनकुआरियां शुरू हो जाए ने जांचा शुरू हो जाए ने तो सिखा दे बारी कोई इनकुआरी कोई जांच नहीं चक के सीधा सुट दो जेल के रोल दो जवानी बेशक कोई बेकसूरी हो तो गुरु भला करे जागती जी जमीर है साड़ी तो डट के विरोध करिए इन्होंने लोगों का क्योंकि इन्होंने मूँह पै जाना जे इन्हों अच नहीं रोकते इन्हों लोगों का की है इन्नी हिम्मत कर लगे कल भी उत्थे नकोदरा डेरे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ले जाएंगे असं प्रकाश कर लगे हाँ फिर नहीं करा आप फिर कर देवे इन्हों प्रकाश उत्थे कह देंगे भी कोई गल नहीं उत्थे गुरु साहब का प्रकाश होने लगा ना गुरु ग्रंथ साहब की गल होने लगी है तो कर दो उत्थे प्रकाश है ना नशेड़िए डेरे तू मनता मनी जा यार सानू की लगे यार साढ़े ठे खूह जाके डिग तेरी जरूरत की आ तेरी की औकात है तू गुरु साहब की तुलना जी तू उस बंदे नाल करे जिहदा कोई जीवन ही नहीं है की देना समाज में उस बंदे दसो मैनू जिहड़े लोग उहनू मानदे मेरे उहनां नू भी सवाल आ की जमीन उहदी की देण आ समाज नू ते जिस गुरु पातशाह कोई गल कर रहा उहनां दी देण पढ़नी ते जीवन पढ़ उहनां दा पहिलां मैं हुण इत्थे उहनां दा जीवन सुनाउण वास्ते नहीं बैठा जिन्हों किसी लोड़ महसूस होंगी है गूगल भी कर लो गूगल से अच्छा सब कुछ हैगा पोथियां है साफियां है अपने को गुरु साहब का जीवन पढ़ी पहला जिन्हें जो अंस अंस बना रहा इन्हों तो फिर गल करी तिणका मात्र नहीं है गुरु साहब के तिणका मात्र पैरों की धूल के बराबर नहीं है तुम कि गुरु साहब कितने तुम लोग सो मेरी बेनती है संगत को कल 12 बजे नकोदर थाने श्री थाना जो बस स्टैंड के कोल उत्थे इकट्ठे होना प्रशासन को पहला कि जो जो भी प्रोसैस आरोप फॉलो उस तो बाद जो अगला प्रोग्राम होगा सारी जथेबंदी संघां दे सलाह दे नाल गुरु साहब सेवा लैणगे वह करांगे
ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।